Hello students, welcome to our revision session chemistry chapter 2 acid base and salts. I hope aap log bahut zyada apni practice kar rahe honge. We are done with part 1, right? We are here jahan par hum part 2 we are discussing some very important questions for your term 1. Let's start practicing. Aap log apne answers jo hai wo cross check karte jao, theek hai? Now let us start. Let's start with question number one. Question number one says, select the common salt. देखो, common salt जो होता है, common salt is जो हम घर पे किचन में यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं, that is sodium chloride. और important, ठीक है, sodium chloride इसका नाम होता है, common salt कहते हैं, इसको NaCl. Done. Question number two, select soda ash. सोडा एश पूछा है हमसे. सोडा एश मींस सोडियम कार्बोनेट. देखो सोडा एश इसलिए बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है ये आगे हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. जब इसे बर्न करते हैं, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, उसके बाद जब इसे बर्न करते हैं तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रिमूव हो जाता है, बचता क्या है, सोडियम कार्बोनेट ओनली. फाइन. क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कौन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, इंपॉर्टेंट टू लर्न. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कह रहा है, डैश टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. मुझे एक बात बताओ, ब्लू से रेड लिटमस कौन चेंज करता है, कौन होता है वो, बेस की एसिड, इट इज एसिड, ठीक है, एसिड. तो मतलब की क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है, इंस्टेड वो डायरेक्टली आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप ये बताइए कि कौन है जो ब्लू से रेड लिटमस जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है. अब एसिड कौन है यहाँ पर, विनेगर, ठीक है, विनेगर के अंदर एसिड होता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव सेज मिथाइल ऑरेंज इज, मिथाइल ऑरेंज इज, इट इज पिंक इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम. दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसिडिक मीडियम में पिंक कलर एंड बेसिक मीडियम के अंदर मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर हो जाता है, ऑरेंज नहीं होता जैसे इसका नाम है, राइट. चलो सिक्स, लाइम वॉटर इज, लाइम वॉटर क्या है, अगर मैं इसका नाम बता दू ना तो तुम बता दोगे कि इसका ये क्या होता है. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या हो गया, गुड, क्या हो गया, कैल्शियम OH2, राइट. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन सेज कैल्शियम फॉस्फेट इन टूथ इनेमल इज, कैल्शियम फॉस्फेट इन टूथ इनेमल इज बेसिक, इट इज बेसिक. कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये बेसिक होता है. क्वेश्चन नंबर एट सेज विच अमंग द फॉलोइंग हैज नो वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हैज नो वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, यहां पर ब्लू विट्रियॉल, जब भी ब्लू विट्रियॉल, ब्लू विट्रियॉल, ब्लू विट्रियॉल मतलब होता है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के पास पानी होता है, ठीक है, फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये तो हो गया कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ, नाम याद रखना है इसका, ठीक है. वॉशिंग सोडा इसके अंदर भी होता है, जिप्सम के अंदर भी होता है, बेकिंग सोडा के अंदर नहीं होता, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन. डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर इन जिप्सम एंड पीओपी. ओके, डिफरेंस, तो हमारे पास जिप्सम के अंदर कितना है, टू माइनस इसके अंदर कितना है, हाफ, ठीक है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, थ्री बाय टू, ऑप्शन सी, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर टेन. क्वेश्चन नंबर टेन सेज कॉस्टिक पोटैश कौन है, पोटैश कौन है, KOH, राइट, KOH. क्वेश्चन नंबर 11, मैंगो लेमन रॉ ग्रेप्स हैव सार टेस्ट ड्यू टू,
गॉज ऑफ सम एसिड प्रेजेंट इन इट, और उस एसिड का नाम क्या होता है, लेमन, रॉ ग्रेप्स एंड मैंगो है, दे आर सिट्रिक एसिड्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स एंड दिस इज सिट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डाइल्यूट एसिड डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद. ओके, डाइल्यूट एसिड डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको लाइम से रिएक्ट नहीं किया जाए, जब, ठीक है, जब उसे लाइम से रिएक्ट किया जाए तो डाइल्यूट एसिड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू. देखो, डिसइंफेक्टेंट पहले लिख दिया उन्होंने कि डिसइंफेक्टेंट का काम करना है. तो डिसइंफेक्टेंट क्या करेगा, डिसइंफेक्टेंट विल रिमूव द, इफ आई से दैट द डिसइंफेक्टेंट विल रिमूव द डर्ट, ठीक है, तो डर्ट रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सम अदर मेथड्स, ठीक है, मेक वाटर टेस्ट या नथिंग लाइक दैट, मेक वाटर क्लियर, इसके लिए भी कुछ और प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, मेक वाटर जर्म फ्री, ओके सॉरी फॉर दिस, मेक वाटर जर्म फ्री, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द वन which dissolve in water and form alkaline solution. Alkaline solution का मतलब क्या होता है? Related to basic, ठीक है? तो जो basic होगा, वो alkaline solution बनाएगा. और इनके अंदर कौन बनाता है? More basic, potassium carbonate. फटाफट से होते हैं, ठीक है? React. अगला question. Color of copper sulfate changes when heated from. See, अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें ना, तो जो ये कॉपर सल्फेट होता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, एंड व्हेन इट इज हीटेड तो क्या होता है, जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये रिमूव हो जाते हैं, सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाप बन जाती है, तो क्या बन गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट बचा. और अब इसका कलर, क्योंकि पानी के वजह से कलर होता है इसका ब्लू, तो पानी अब नहीं है तो क्या हो गया, अब इसका कलर व्हाइट, ठीक है, तो द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू कलर टू व्हाइट कलर, ऑप्शन बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमसे पूछा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड बताना है अब, और हमें एसिड जो है वो ये दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl दिया हुआ है, एक एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH, और एक दिया हुआ है पानी, ओके. अब देखो, इनके आगे एक चीज कि जो भी ऑर्गेनिक होगा वो लेस एसिडिक होगा, और जो भी इनऑर्गेनिक होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक, और वाटर तो एसिडिक है ही नहीं, वाटर तो न्यूट्रल है, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक एसिड कौन है, HCl, तो सबसे ज्यादा जो है वो HCl होना चाहिए, ठीक है, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, देन फिर क्या होना चाहिए, एसिडिक एसिड मींस हियर एंड देन वाटर, सो व्हिच ऑप्शन कम्स आउट टू बी द आंसर, ए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि जिंक को हम एक बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं, जिंक प्लस NaOH, तो क्या बनेगा. पहली बात तो जिंक को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, ठीक है, ऑलराइट हियर, इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, राइट. क्वेश्चन नंबर 18, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, लर्न इट. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन नंबर 19, ब्राइन इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl पानी में, ठीक है, तो NaCl, जैसे कि इस तरीके से लिखते हैं इसको कि NaCl प्लस वॉटर, ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम क्या, ब्राइन, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस एट, दिस इज योर एनसीईआरटी लाइन, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स एन नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर, कैल्शियम सल्फेट CSO4.2H2O, तो कितना हो गया इनका वैल्यू, 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, बेसिक सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ, ओके, बेसिक सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ, देखो बेसिक सॉल्ट जो है किसका सॉल्ट बनेगा, जिस पर बेसिक, जैसे अगर यहां पर बोला है बेसिक सॉल्ट जो है, सॉल्ट बनता कैसे है, तो आप बोलोगे एसिड को बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनता है, राइट। तो यहां पर हमसे पूछा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट मतलब बेस जो है वो एसिड से भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर बेस जो है वो वेरी स्ट्रांग होगा तो एसिड, और एसिड अगर वीक होगा तो एसिड जो है वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, देखो द वर्ड आई एम यूजिंग कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, राइट। थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और एसिडिक प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा, जब एसिडिक प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी, तो वो और प्रॉपर्टी किस में, जो बन गया आगे, कौन बना है, सॉल्ट बना है, तो सॉल्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आई, बेसिक, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए, एक वीक एसिड चाहिए और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, डी ऑप्शन, क्लियर, इजी। क्वेश्चन नंबर 24, एल्केलीज आर, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो पूछा एल्केलीज आर, एल्केलीज आर बेसिस एंड आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एल्केलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 25, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म, this is your NCERT line, important, asked many times, it forms baking soda, when lime water reacts with chlorine it forms baking soda, right। chalo that's all for the part 2, we'll be back with another session jahan par we'll be practicing more questions of the similar topics with part 3, tab tak ke liye keep on practicing and reading NCERTs, thank you।